CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है बुनियादी साक्षरता श्रृंखला पर आधारित कार्यक्रम गांधी जी के आश्रम में। साथियों नमस्कार, हम सब गांधी जी के बारे में जानते हैं। गांधी जी को बहुत सारे अलग अलग नामों से पुकारा भी जाता है। कोई उन्हें बापू कहता है, तो कोई महात्मा, तो कोई राष्ट्रपिता। गांधी जी ने देश को आजाद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और इसके लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना। गांधी जी जब अफ्रीका में थे तो उनके दो आश्रम थे, फीनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय फार्म, और जब वे भारत आए तो उनका आश्रम बना साबरमती। और हाँ, आपको एक बड़ी दिलचस्प जानकारी भी दे दें, दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी के फीनिक्स आश्रम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है और आज गांधी जी का आश्रम टॉलस्टॉय फार्म भी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित गांधी स्थलों में से एक है। तो आइए चलते हैं गांधी जी के आश्रम में, और सबसे पहले चलते हैं आश्रम के रसोई घर में। अरे बापूजी के आने का समय आने वाला है। हाँ हाँ, और तुम टमाटर काट लो। हाँ हाँ, और मैं ये मिर्ची काट लूँ। अरे जल्दी जल्दी सब्जी काटो चंपा, आश्रम में भोजन का समय हो रहा है। अरे जल्दी जल्दी में मैं तो एक बात भूल ही गई। क्या? वो सब्जी मैंने बगैर धोए ही काट दी। अरे चंपा, बापूजी को अगर पता चला कि तुमने बिना धोए सब्जी और फल काट लिए तो फिर बहुत डांट पड़ेगी। ठीक कह रहे हो। अरे हरिया, वो देखो, छत पर मकड़ी का जाला भी लगा है। बापूजी के आने का समय हो रहा है और यहाँ पर सफाई भी अभी करनी बाकी है। इससे पहले कि वो आए, हम जल्दी जल्दी सफाई कर लेते हैं। ठीक है चंपा, ठीक। बापूजी के आने का समय हो रहा है, मैं टमाटर काट। हाँ, मुझे आलू दे दो, मैं जल्दी काट लेता हूँ। अरे ठीक है, मैं ये बाकी जो सब्जियाँ इनको धो लेती हूँ। प्रणाम बापू। नमस्कार बापू। प्रणाम बापू। प्रणाम प्रणाम। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? बाबूजी वो सब्जी काट रहे थे हम लोग। बापू सब्जियां काट रहे थे। अभी अभी मुझे पता चला कि तुमने सब्जियां बिना धोए ही काट दी हैं। वो बापू थोड़ी जल्दी थी और भोजन का भी समय हो रहा है, इसलिए बगैर धोए ही, क्षमा कीजिए। देखो चंपा, ध्यान रखना, सब्जी और फलों को कभी भी बिना धोए नहीं काटना चाहिए और ना ही पकाना चाहिए। आगे से ध्यान रखना, समझ गई तुम? जी बापू। अच्छा जाओ। जी। अब तुम लोग जाकर अपना अपना काम करो। जी, जी। चलो चलते हैं। जी। तो साथियों, अभी हम थे आश्रम के रसोई घर में। आइए अब सुनते हैं गांधी जी के आश्रम की एक और घटना के बारे में। हुआ यूं कि एक बार आश्रम में ही रहने वाली एक बीमार स्त्री को कुछ केले दिए गए। उसने जब केलों को देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उन केलों पर काले काले चकत्ते पड़े हुए थे। तो उस स्त्री ने इसकी शिकायत बापू से की। बापू ये देखिए। अरे हाँ हाँ बिमला, आओ कहो, कैसे आना हुआ? बापू केलों पर कितने काले काले चकत्ते पड़े हुए हैं। दूसरों को तो ऐसे केले नहीं दिए, ये पक्षपात नहीं तो और क्या है? देखो बिमला, ये जो केलों पर तुम काले काले चकत्ते देख रही हो ना? जी। इसका मतलब ये है कि ये केले बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। तुम्हें पेट की समस्या है ना? हाँ। है ना? हाँ, मैंने ही उन्हें कहा था कि तुम्हें अच्छी तरह से पके हुए केले दें। सोनू ने ऐसे दे दिए। उन्होंने तुमसे कोई पक्षपात नहीं किया विमला। जी बापू। हाँ, समझ गई ना? जी। जाओ, अब तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगी। जी बापू, धन्यवाद। साथियों, यह सुनकर बिमला बहुत लज्जित हुई
और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। गांधी जी के आश्रम का यह नियम था कि सब लोग अपने अपने बर्तन खुद साफ करें और न सिर्फ अपने कमरों और झोपड़ियों को ही साफ रखें लेकिन आसपास भी साफ सफाई का ख्याल रखें। गांधी जी रसोई में काम करने वालों के साथ सब्जियों को खुद काटते थे और बर्तन धोने का भी काम किया करते थे। एक दिन की बात है, अरे बापू ये बर्तन तो धुल गया है। अरे सुधीर नहीं, अभी ठीक से कहाँ धुला है, अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है। हा? अभी तो इसे और चमकाना है। ओ देखो इसे और चमकाता हूँ। ये लो अब देखो, अब ये अच्छी तरह साफ हो गया है और चमकने भी लगा। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। ध्यान रखो जिस भोजन को हम खाते हैं उसे हमेशा साफ बर्तनों में ही खाना चाहिए, समझे सुधीर? हाँ जी बापूजी। हाँ शाबाश। तो साथियों हमने आज गांधी जी के आश्रम में जाकर क्या सीखा? तो हमने सीखा कि अपना काम स्वयं करें और किसी दूसरे से न तो उम्मीद रखें और न दूसरे से वह काम करवाएं, और हम सबको अपनी व्यक्तिगत और आसपास की साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों यदि आप गांधी जी के जीवन से संबंधित कोई भी किस्सा जानते हैं तो अपने मित्रों से अवश्य साझा करें। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांधी जी के आश्रम में। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर उषा शर्मा, तकनीकी समन्वय बटीलैन लिंगडो, ध्वन्यांकन संगीत कुमार, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहयोग कुसुम लता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो आप हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।